टिल्लू ट्रैवल्स, अपन किधर नहीं उड़ते, लोगों को उड़ा देते प्लेन में। अपन किधर भी नहीं जाते, लोगों को हर जगह पहुंचा देते। ज्यादा पैसे वालों को प्लेन में पहुंचा देता हूँ, थोड़े कम पैसे वालों को बस में पहुंचा देता हूँ, और भी कम है वो तो ट्रेन में पहुंचा देता हूँ, और भी कम है वो तो मेरे गाड़ी पे ले जाके पहुंचा देता हूँ। पेट्रोल मैं देख लेता हूँ, चाय सिगरेट के करते तुम ना देख लो। क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास प्लेना नहीं है, प्लेनों की टिकटा है। टिकटा मेरे, पैसे तुम्हारे, पूरे टिकटा मैं बुक करता हूँ। अगर ज्यादा बात करे तो पुलिस वालों का बुक करता हूँ। टिल्लू ट्रैवल्स। रूम, स्विमिंग पूल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और चार पैसा फिर सकते वहाँ पे। अरे उतना नको जी, थोड़ा कम बोलो। अच्छा और भी कम हो ना, तो 2 लाख रुपए हो रहे भाई प्लेन के टिकट, जाने आने और वहाँ पे रूम, खाना पीना, वो घूमने के स्विमिंग पूल नहीं है। अरे उत्ता नको जी, थोड़ा कम का बोलो। और कम हो ना, प्लेन के टिकट जाने आने देता हूँ, प्लेन में कर लो हनीमून। वैसा बोल रहे क्या जी, पैसे नहीं है मैं कहने, वो सेकंड पैकेज बुक करो। मैं सेकंड वाला बुक कर दूँ। कितने लोग जा रहे? हाँ तुम कितने लोगों को लग गए हनीमून को? माई मेरी बीवी के। फिर माई भी मेरी बीवी जाएंगे ना, हॉले बात आ कर रहे, बुक करो। सॉरी गलत सवाल था। वो जरा घर में प्रॉब्लम हो रही जी। और हनीमून बोलता अलग ही खुशी है ना तुम्हारा, पहली बार ना। आहा तड़पी ऐसी है, रहा नहीं जाता। पर्सनल नको, बुक करो। कब जाना है? अब बुक कर तो निकल तो। शाम की है फ्लाइट, बोलो। उन्हें बैगा लेके ठहरी हुई है बाहर, घर को नहीं आती बोल रही मेरी भी। एयरपोर्ट पे बिठा देती मेरे को, टिकट आए तक। टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए हो रहे, काट दो। हेलो पिन। हेलो पिन। अरे चुबाने का पिन नहीं यार, कार्ड का पिन बोलो। अच्छा कार्ड का पिन 40। मैसेज आया? आया, वाइब्रेट तो हुआ। गुरु बोला हाँ आ गया। हाँ शुक्रिया, जाके आ तो हनीमून भाई। ऑल द बेस्ट। आई विल गिव माय बेस्ट। जा रहा, लेट हो रही। देखा? अरे टिल्लू भाई, मैं नहीं पहचाने। अरे सबनिक का मसला क्या? अरे आपके दोस्त का बेटा, इस्माइल का बेटा हूँ। अच्छा इस्माइल के बेटे, आप क्या क्या मेरा मसला समझा। हाँ बोलो क्या नाम है? वो दोस्त हम पूरे मिलके ट्रिप को जाएंगे सुन रहे थे। अच्छा कितने लोग? 15 लोग आए हैं। कहाँ जाना है? बैंकॉक जाएंगे सुन रहे। बैंकॉक को जाके कहाँ करते? वहाँ एक बैंक डालेंगे सुन रहे। अच्छा बैंकॉक को जाके बैंक कहाँ डालते? कितना खर्चा हो रहा बोलो ना। 15 लोगों को बैंकॉक फ्लाइट के टिकट 3 लाख रुपए हो रहे। जरा कम करो ना भाई। कम नहीं होता यार। हम मगर टिल्लू भाई बसान जाते हैं बैंकॉक को। नहीं जाती, लेकिन टिल्लू ट्रैवल्स भिजा देते। भाई जरा ट्रेन भी जाते। ट्रेन भी नहीं जाती, फिर भी टिल्लू ट्रैवल्स भिजा था। इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करता टिल्लू ट्रैवल्स। अच्छा मगर ये बस का भी ट्रेन का खर्चा कितना होता? इसका देखो 2 लाख हो रहा, ट्रेन का 1.5 लाख हो रहा। भाई जरा कम करो ना। एक काम कर, सीधा जा, पूरे दोस्तों को ले लेके जा, जू पार्क को जाके 20 रुपए टिकट रहता। तू कॉलेज का आइडिया बता तो 15 रुपए। अंदर जाके पूरे जानवरों को देख ले, मेरे जैसा एक चिंपांजी रहता उसको भी देख ले। क्या अक्को भाई, मेरे 15 रुपए बच गए। कहीं को मैं यहाँ चिंपांजी को देख लिया, अब मैं जाके मेरे पूरे दोस्तों को ले लेके आ दो, उन लोगों के भी 15 रुपए बच जाते, यहाँ चिंपांजी देख लेते फ्री में। तू इस्माइल का बेटा बोलकर कॉलेज बैठ रहा हूँ, तेरे बाप भी वैसी चीज दिखा था कॉलेज में स्कूल में। हेलो इरफान, हाँ आपके बस के टिकट बुक हो गए? हाँ 7 बजे तक बस स्टैंड में रह जाओ, आ जाती बस। हाँ ठीक है चलो। सलाम करे सवाल आदमी का नाम मालूम? जी नहीं मालूम। कौन? मुन्ना भाई। अच्छा दुबई जाएंगे सुन रहा हूँ।
दुबई को जाना सोच रहे, भेज दे तो। कितना होता? कितना होता देखो, 5 लाख रुपए तक आता खर्चा। ओ, मेरा दोस्त एक दस्तगिरी बोल के रहता जी, उसे किस्सा हुआ, उन्होंने एरोप्लेन चढ़ने जा रहा था जी, ऐसा खदम डालेंगे सोचा, दस्तगिरी बोले को भी बुलाए, पीछे बुलर के सामने देख दक प्लेन चले गई। वैसा होता क्या मेरे साथ? नहीं हौले है तुम, उतनी बड़ी प्लेन आंखों के सामने पीछे देख के सामने देखे तो कैसे जाती? दस्तगिरी झूठ बोला। अच्छा ठीक है, टिकट बुक करने से पहले मेरे थोड़े कंडीशन है जी, सुन लेते हैं। सुन तो बोलो। गनपुर में हमारे खाला रहते, उन्होंने बकरीद को गोश्त नहीं भेजा बोलकर रुस गए, जरा प्लेन में चढ़े बाद गनपुर कर रोक लेता हूँ, 2 मिनट में मनाली के आता हूँ। उसके बाद में हमारे छोटे ससुर है जमीन खरीदेगा तो जनगांव में, जरा रोक लेता हूँ, स्लो कर लेता हूँ, ऊपर से जमीन देख लेता हूँ। उसके बाद में रघुनाथ पल्लीकर रोक लो, बस स्टैंड अच्छा होगा था ना, देख के आता हूँ। उसके बाद में डायरेक्ट चांदनार कर रोको, लिमरा को जाके चाय सिगरेट मार लेके छुड़ी बाजार को जाके मेरी छुटकी कुछ चुड़िया खरीदता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड। उसके बाद में विंडो सीट होना अपने प्लेन में, और मैं गुटके खाने की आदत है, पच 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 पिचकारे मार दो, हाँ समझे? उसके बाद मैं प्लेन में बैठा बहुत बोर मार दिया था मेरे को, शोले मूवी चलना, गब्बर का बहुत बड़ा फैन हूँ, अमजद खान का फैन हूँ समझे? हाँ, फिर अपने को बैठते के खाना वाना देते गए थे ना उसमें, नाश्ते में नहारी पाई होना, नहारी पाई नहीं है तो डकार नहीं आते अपने। दोपहर में मटन बिरयानी दम जबरदस्त रहना खाली, शाम के लिए मंदी अकेले खा लेता हूँ। उसके बाद में वो कद्दू खीर में रसगुल्ला रहते नहीं, वो पूरे चुनके कटोरे में ला के लाओ, जरा लाइट मिट्टा मारने के सोचा। कहाँ से आए भाई आप? एरेगड्डे से आए। हेलो, ये एरेगड्डा हॉस्पिटल, आपका नाम क्या बोले? नहीं मुन्ना भाई। मुन्ना भाई बोल के कौन सा, तो पेशेंट मिसिंग है तुम्हारा? हाँ, यहाँ आके हमारे एजेंट ऑफिस में बैठ के ले लेके जाओगे। सीरियस कैसे बोल? तो समझ रहा बे, कहा बोला रोकने ना, फीस कटा मार के तेको रुका लेते, लिख जाने तेरे रिश्तेदारों का ने लेन रे, क्या चढ़े तो कहाँ जाना है भाई, तू उतारती हाँ। कुछ काम है? हाँ, मैं मेरा बॉयफ्रेंड जा रहे दुबई, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड का नाम है गोनी साई, उन्हें बहुत बड़ा प्ले बॉय। तुम मैं पींगे चाय? हे फ्री ने होना, गुड बाय, टिकट ना बाद में बुक कर लेती मैं। सलाम वालेकुम हबीबी। हम सलाम, हाउ आर यू? 50 रुपीस फाइन। कब आए जी ऑस्ट्रेलिया से? परसों मिच गया ना, मैं बुक कर रहा टिकट तुम्हारा, कब आए? इंडिया से परसों आ गया, मगर जरा टिकट बुक करो, लंदन जाना है। फिर जा रहे बाहर? लंदन जा रहे हैं, बुक करना। और भाई आते हफ्ता क्या तो प्लाना है? अरे रे 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 रे, आते हफ्ता पूरा बाहर का प्लाना है, शेड्यूल पूरा बाहर का है। देखो टिकट आप पूरे तुम्हें बुक करना, मगर समझे ना, नॉर्वे को जाके नाश्ता करना है, लंदन में लंच करना है, पेरिस को जा तो। पेरिस को क्या कुछ? पेरिस? अरे लंच करे बाद पानी पीना ना जी, पेरिस को जाके पानी पीता हूँ, रात का खाना रशिया में खाता हूँ, स्पेन को जाके सो जाता हूँ। भाई असल तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होता जी, फैमिली वो ये फोन नहीं आते हैं, मतलब काम पे आ रहा क्या है, कब भी फिरते थे कब भी बाहर जी। सही क्वेश्चन पूछे, मैं शादी नहीं कर लिया जी। शादी नहीं कर लिए आप? भाई इतना फिर रहा हूँ बोल तो, इतना एंजॉय कर रहा हूँ तो कहीं कहूंगा, मैं शादी नहीं कर लिया जी, फुल एंजॉय अपन, समझ रहे ना, सोना नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तुम ऑफिस कब बंद करते? ऑफिस देखो 10 बजे तक बंद कर दो रात के। आज 11 बजे घर को जाओ, कितने फोन आते? 11 बजे गए तो मेरा फ्यूचर दिखता मेरे घर में, झुका बिठा के मारती मेरी बीवी। शादी नहीं कर लिया, अच्छा कर रहे तुम, मस्त एंजॉय कर रहे, शादी कर रहे सिस्टम के सामने बैठ के देखना पड़ रहा। नो फोन, नो कहाँ भी जाओ, कभी भी आओ, आराम की जिंदगी रहती, सुन रहे ना, शेड्यूल बोल दिया, टिकट ना बुक करा दो, पैसे पूरे तुम आप कितना हुआ बिल मार दो, मैं भेज देता हूँ, ठीक है, जाके आओ। राइट, लाफेस। यादमिश फोन कर रही मेरी शैतान। हेलो,
अभी बंद नहीं हुआ जी, आ रहा हूँ, रुको, सारे नौ चोरन आ जी। क्या सालन नहीं है, कल का करेला है ना, गरम करो खा के मर तो ठीक है। शादी नहीं कर ली साला, फ्रीडम मस्त एंजॉय कर रखा हम, बोले आप घूम रहा नहीं बोल के सर ना बाथरूम को कहते हो मेरी बीवी को शक, फिर शादियां नहीं कर लेना भाई, एंजॉय करना। पर अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? वालेकुम सलाम बेटा। क्या ना अंकल, हमारे खानदान में बचपन से सब मिलके रहते, 17 जने एक ही घर में रहते बेटा, तो सब लोग क्या समझे बोलते हैं बाहर जाएंगे घूमने बोल के बोल लिए थे दुबई को, तो जरा टिकट बुक करो ना बेटा। सबके ने पासपोर्ट है? हाँ पासपोर्ट पूरे है बेटा। कौन सा डेट का होना तुम्हारे को? आज से 5 साल के बाद बेटा। 5 साल के बाद की टिकट होना तुम लोग को? वो हमारा मेरा बेटा नहीं है, उन्हें अब भी बीटेक ज्वाइन करा, 4 साल में बीटेक हो जाता, बीटेक होते जा पाता ना, उन्हें कब से की बोल ले रहा पप बेचारा बाहर ले जाता हूँ पूरे खानदान को घुमाता हूँ बोल के, तो दुबई को जाएंगे बोल के बोल लिए थे, जरा टिकट बुक कर दो अच्छा रहता। मेरा बेटा क्या बोला बोले तो, कितना जल्दी बुक कर दो उतने सस्ते में गिरते गए थे ना फ्लाइट की टिकट, तो मैं अब भी चाहे हम जरा बुक कर लेंगे बोल के। आपके बेटे भी जाओ ना, मुझे बोलता हूँ मैं पर्सनली बात करना है आपके बेटे से, बहुत पर्सनली बात करना है। अब जाओ आपके बेटे के लिए वो टिकट बुक करोगे? आपके बेटे को तो ले लेके आओ, ठीक है जा रहा हूं मैं। आओ बोलो तुम्हारे बेटे को पर्सनली बात करना है, बहुत पर्सनली। ओके 5 साल के बाद के टिकट आप भी जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से समीर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जॉब लगे गए थे माशाल्लाह, शादी भी हो गई, मुबारक। और क्या तो काम है क्या? वो टिकट्स बुक करने का था भैया। अच्छा वीक साथ बाहर जा रहे? नहीं नहीं बाबू, मैं आपको मालूम ना भैया, वो 7 साल से मैं सोच रहा हूँ मम्मी पापा को उमरा करने लेके जाना मिल के, आपको मालूम है ना बहुत बार बोला ना जी आपको, मंजिल मिल के बाद माँ बाप के ख्वाहिशा पूरा करना सोचा, तो पूरा करने की वक्त आया तो उमरा करने लेके जा रहा हूँ भैया। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुबारक, अच्छा काम कर रहे। जी भैया शुक्रिया। नेक्स्ट मंथ का टिकट बुक कर रहा हूँ? हाँ भैया बुक कर रहा। समीर अमाउंट 4 लाख हो रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं जॉब आया ना थोड़ी बहुत पैसे कमा लेकर गया, मैं 4 लाख रुपए हो रहे ना भाई। ठीक है भाई, मैं अभी बुक कर दो, मैं शाम तक ला के देता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हमारे लिए भी दुआ करो। जी जरूर जरूर, आपकी सोच अच्छी है माँ बाप को देख के। ठीक है बुक कर दे। हाँ ठीक है बुक कर देता, मैं आपके फोन को मैसेज कर। ठीक है भाई, ठीक ठीक है, दुआ करो कैसे भी, दुआ में याद करो। जी अल्लाह हाफिज़। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.